गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको शुरू के दो क्वेश्चन कराए थे, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, राइट। सो आपको बताना चाहूँगा MHRM की शुरुआत के ये दो आंसर जो मैंने आपको करवाए थे, उसी से ये तीसरा आंसर भी कनेक्टेड है। सो देख लेते हैं इस आंसर में क्या है। आपको बताना चाहूँगा, आपके एग्जाम में जो होता है ना, इन तीनों में से एक क्वेश्चन 100% डैम श्योर पूछता है। ओके, सो विद दिस स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन जो दिया हुआ है यहाँ पे अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का, ये वही सेम टू सेम डेफिनेशन है। ये एक बेनिफिट है कि एक आंसर में जो डेफिनेशन होगा उस ऑलमोस्ट उस पूरे मॉड्यूल के उस जो पर्टिकुलर टॉपिक में सब में आप सेम लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो कैसे लिखा हुआ है, मार्केटिंग इज एन एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग कम्युनिकेटिंग डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर्स क्लाइंट पार्टनर सोसाइटी एट लार्ज। यस, यही मार्केटिंग की यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन है। अभी सबसे पहले यहाँ पे देखो फंक्शन में दिया हुआ है, सबसे पहले दिया है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च इज सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा फॉर एनालाइजिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ मार्केट्स एंड सॉल्विंग द मार्केटिंग प्रॉब्लम। इट हेल्प्स इन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मार्केट साइज, टारगेट ऑडियंस, कॉम्पिटिटर, कस्टमर प्रेफरेंस एंड रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा। इट मे ऑल्सो इंक्लूड रिसर्च अबाउट द प्रोडक्ट, कंज्यूमर, कॉम्पिटिटर, मार्केट रिक्वायरमेंट। द कलेक्टेड डेटा इन सॉल्विंग वेरियस मार्केटिंग प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग नीड्स ऑफ कंज्यूमर, डिजाइनिंग इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड टेकिंग इम्पॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन। इसका मतलब क्या होता है, मार्केटिंग रिसर्च ये कहता है कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले वहाँ की इन सब चीज़ों पे पहले जानकारी ले ली जानी चाहिए, जैसे कि वहाँ पे क्या टारगेट ऑडियंस है, मार्केट का साइज क्या है, और इवन दो कॉम्पिटिटर कितने हैं मेरे, कस्टमर लोग क्या पसंद करते हैं वहाँ पे और कितना पसंद करते हैं, एंड इवन दो कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे चलेगा, कौन सा प्रोडक्ट नहीं चलेगा, किस प्रोडक्ट ने अब तक मार्केट कैप्चर कर रखा है, क्या चार्जेस हैं, क्या क्या सर्विसेज फ्री में ऑफर्ड होती है, क्या फ्री में मिलता है, ये सब कंसेप्ट पूरा एक बार देखना पड़ता है, उसके बाद ही जाके कोई नया बिजनेस शुरू कर सकता है, राइट। वी कैन से दैट अभी कुछ एरिए में बहुत कम स्कूल है, जैसे कि मलाड को ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। आप खुद जानते हैं मलाड में दो दो मॉल हैं, इन ऑर्बिट है, इन्फिनिटी है, देन वी हैव सबसे ज़्यादा कॉलेज पूरे मलाड में ही है, एंड इवन सबसे ज़्यादा स्कूल भी मलाड में ही है। रीज़न क्या है, टारगेट ऑडियंस, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं, हो गया काम यहीं पर। प्रेफरेंस की बात आती है तो प्रेफरेंस भी यहाँ पे हर किस्म के लोग रहते हैं, अपर मिडिल क्लास, वेरी रिच क्लास, हाई क्लास, हर कैटेगरी के लोग हैं, तो यहाँ पे हर कैटेगरी की चीज़ें भी आसानी से क्या है, अवेलेबल है। अब जैसे कि ये इन्फिनिटी मॉल ओपन हुआ है, 10 साल हो गए लगभग इसको स्टार्ट हो के, इसके पहले इसी लिंक रोड पे इनऑर्बिट हुआ करता है, आज भी है वैसे तो, बट जब ये मॉल बन रहा था तो दिमाग में ये चलता था कि एक रोड पे दो दो मॉल क्या कर रहे हैं, फाइन पब्लिक वहाँ जाएगी कि यहाँ आएगी, बट ऐसा नहीं है, पब्लिक आज दोनों जगह जाती है। रीज़न क्या है, वहाँ पे टारगेट ऑडियंस है, क्योंकि पब्लिक को तो क्या है, एंटरटेनमेंट चाहिए, एक वेल लाइफस्टाइल चाहिए, दोनों मिल रही है उनको। देन सेकंड पॉइंट है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको मैं कह सकता हूँ MIS। इट इनेबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू कलेक्ट, इवेलुएट एंड सर्कुलेट एक्यूरेट एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन। The information enables to take effective marketing decision and devise appropriate marketing strategy. MIS का एक फ़ायदा ये है कि timely information collect करने में काम होता है, and even though उसके accordingly बाकी की strategies को prepare करने में मदद मिलती है। Then we have a sales promotion scheme. Yes, sales promotion scheme तो हम खुद भी जानते हैं, जैसे कि दिखते हैं ना, buy one get one free offer, buy back offer, free sampling, डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर, गारंटी, वारंटी। इट परसुएड्स द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट।
जब हम ऐसे ऑफर्स को देखते हैं तो हम थोड़े मजबूर से हो जाते हैं कि चलो एक बार ये ले ही लेते हैं। एक पे एक फ्री अगर आ गया, या फिर कोई सैंपल फ्री में दे रहा है, या अच्छी वारंटी बढ़ा के दे रहा है, गारंटी दे रहा है, तो कस्टमर थोड़ा एक बार इन्फ्लुएंस हो जाता है कि हाँ चलो खरीद ही लेते हैं ये स्कीम्स पे। देन वी हैव दिस एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजी। इट्स अ नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट प्रमोशन एंड हैज रिमार्केबल पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर। एडवर्टाइजिंग एड्स इन क्रिएटिंग ब्रांड अवेयरनेस। इट ऑल्सो हेल्प इन एनहांसिंग ब्रांड इमेज एंड कस्टमर लॉयल्टी, गेनिंग एज ओवर कॉम्पिटिटर एंड डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। लाइक स्ट्रैटेजी कुछ भी रख सकते हैं एडवर्टीजमेंट की। किसी किसी जगह पे अब देखो यहाँ पे एक दिया है, फ्यू ईयर्स बैक देर वॉज फेविक्विक लॉन्च इज एडवर्टीजमेंट विद टैगलाइन ऑफ तोड़ो नहीं जोड़ो, इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच। यस, अभी एक स्ट्रैटेजी भी बन जाती है अपने आप में, और एक प्रोडक्ट तो खैर वैसे जानते ही हैं लोग। वैसे तो ऐड को तो और भी किसी तरीके से बना लो, वहाँ पे लोग इसको देख ही लेते हैं पुराने ब्रांड को। फेविकॉल का आता है कभी कभी किसी तरीके का, जिसमें थोड़ा हिलेरियस कंसेप्ट आ जाता है, तो स्ट्रैटेजी होती है। या फिर सर्फ एक्सल का हम देखते हैं, दाग अच्छे हैं लाइक दैट, तो ये एक एडवर्टीजमेंट स्ट्रैटेजी है। डेवलपिंग द प्रोडक्ट डिज़ाइन, इट कंप्राइज डिसीजन रिगार्डिंग द अपेयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। द कंज्यूमर आर यूजली अट्रैक्टेड टू प्रोडक्ट्स विद अपीलिंग लुक। फर्दर पैकेज डिज़ाइन एड्स यूनिकनेस टू द प्रोडक्ट। मोर एवर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू गेन एज ओवर कॉम्पिटिटर्स। ये पॉइंट क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट का डिज़ाइन जो एक बार बन गया है तो ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर वही चलेगा, उसको थोड़ा डेवलप करो। फाइन, अभी ये ले लीजिए ना, पहले लोग जब मोबाइल फ़ोन ख़रीदते थे तो मोबाइल फ़ोन में इतने फंक्शंस नहीं आते थे, पर वही मोबाइल वैसे ही था जैसे आज भी हमारे पास है, बट अब उसका स्क्रीन बढ़ गया है, टच अच्छा हो गया है, गोरिल्ला हो गया है, एंड इवन दो बैटरी बैकअप बढ़ गया है, मेगापिक्सल बढ़ गया है, एंड और भी थोड़े थोड़े फंक्शंस बढ़ गए। प्रोडक्ट का डिज़ाइन बदला उन्होंने, फाइन उसके फीचर्स को ही बदल के रख दिया। रीज़न क्या है, इनोवेटिव स्टाइल। ये इनोवेटिव स्टाइल करना बहुत ही ज़रूरी है, ये नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट नहीं चलेगा। देन सिक्स वी हैव दिस आफ्टर सेल सर्विस। क्या ना, प्रोडक्ट बेचना तो एक बार चलो ठीक है कर सकते हैं शोरूम डाल के, बट इफ़ अगर उसको सेल्स के बाद सर्विस अगर नहीं मिली, अगर समझो कोई प्रोडक्ट ख़राब होता है, आज हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, अगर हमें पता चले कि उसका कोई सर्विस सेंटर ही नहीं है तो हम भी नहीं खरीदेंगे, भले कितना भी सस्ता हो। रीज़न क्यों, क्योंकि अगर कल को ख़राब हुआ तो उसको मैं कहीं दिखाने लायक ही नहीं हूँ, तो फिर मेरे लिए वेस्ट है। लेकिन अगर हमें पता चलता है कि हाँ इसका सर्विस सेंटर है और नज़दीक ही है और अच्छी सर्विस देता है, तो हम डेफिनेटली उसको ख़रीदेंगे चाहे वो महंगाई क्यों ना हो। यस, तो जिस मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ ने अपने सर्विस सेंटर्स बढ़ा के रखे हैं, डेफिनेटली उनके मोबाइल प्रोडक्ट्स चलते भी हैं। अभी MI को ही ले लो, है उसके सर्विस सेंटर हमारे नज़दीक में। अभी अगर कोई और उसको हराना चाहता है, कोई और मोबाइल फ़ोन उसको हराना चाहता है, यस, एक खाली इसको चीज़ दिखानी है कि हाँ सर्विस सेंटर हमारे पास बहुत सारे। देन सेवेंथ पॉइंट इज ब्रांडिंग पैकेजिंग एंड लेबलिंग। आपको मैं बताना चाहूँगा इसमें जो ये ब्रांडिंग पैकेजिंग लेबलिंग ये तीनों जो है ना, ये अपने आप में एक साइलेंट सेल्समैन है। ब्रांड मतलब क्या, कोई भी आज हम कितने भी ब्रांड के नाम लेते रहते हैं, अभी मैं आपको कहूँगा कोई भी चॉकलेट खा लो तो आप क्या बोलोगे, ऐसे थोड़ी कोई खाओगे, ब्रांडेड खाओगे। कोई मोबाइल फ़ोन आप ब्रांडेड ही लेते हो, है ना, फिर इवन दो जूते वो तो ब्रांडेड लेते हो, जीन्स तो ब्रांडेड लेते हो, तो ये ब्रांडिंग होना बहुत ज़रूरी है ना। ब्रांडिंग रिफर्स टू एस्टैब्लिश द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ द ब्रांड। इट कुड बी डन बाय डेवलपिंग अ ब्रांड नेम, फाइन। तो यहाँ पे दिया है किंडर जॉय का एग्जांपल। अभी किंडर जॉय मालूम है एक ब्रांड है अपने आप में, कैसे ब्रांड है, लोग उसको जानते हैं कि क्या चीज़ है, और उसकी पैकेजिंग का ध्यान देखिए ना, पैकेजिंग किस प्रकार से उसकी है। अभी अगर समझो प्रोडक्ट गंदा भी होता है ना और उसकी पैकेजिंग अच्छी है तो लोग उसको अच्छा मानते हैं। मान लीजिए अगर आप समझो कोई मिल्क लेने जा रहे हैं या फिर ऑयल ख़रीद रहे हैं, एक तरफ थैली में दे रहा है, एक तरफ टेट्रा पैक में दे रहा है,
टेट्रा पैक वाला लोग जल्दी ले लेंगे। फाइन, पैकेजिंग का फ़र्क पड़ता है। कभी फ्लिपकार्ट अमेजोन से भी कभी ना कुछ मंगाया होगा, तो उनकी पैकेजिंग को भी देखिए ज़रा कैसी रहती है। फाइन, सो ब्रांडिंग उसी से ब्रांड बन गया अपने आप में। फ्लिपकार्ट का भी अपने आप में इसी प्रकार से ब्रांड बना कि वो सर्विस कैसे प्रोवाइड करता है। फाइन, नेक्स्ट वी हैव दिस टेस्ट मार्केटिंग। इट इज़ अ प्रोसेस वेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द प्रोडक्ट इन स्मॉल मार्केट सेगमेंट। After evaluating the market response, decision regarding whether to launch the product in the entire market is taken. ये वो कंसेप्ट है जहाँ पे एक बार डेमो करके देखा जाता है। फाइन, एक बार डेमो करके देख लेते हैं। उससे क्या होता है कि अगर वो चल पड़ा तो बाकी प्रोडक्ट भी लिखेंगे। जैसे कि मूवी का ट्रेलर आता है, उसके रिस्पॉन्स से पता चल जाता है कि मूवी चलेगी कैसे। उसी तरीके से ये मार्केटिंग है। मोबाइल फ़ोन्स भी जब आते हैं ना, तो पहले डायरेक्टली एक साथ लॉन्च नहीं होते। पहले वो लोग क्या करते हैं, उसको छोटे लेवल पे निकालते हैं। अगर वो अच्छा हुआ तो वो आगे बढ़ता है। चाहे फिर कोई वो ड्रिंक भी हो सकता है, कोई कोल्ड ड्रिंक्स में भी आता है। बड़े लेवल पे लॉन्च करना क्या होता है, रिस्की हो जाता है। सो व्हाट दे डू, पहले एक बार अपने छोटे लेवल पे टेस्ट मार्केटिंग के तौर पे निकालते हैं। अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली उसको आगे लेके जाते हैं। देन 9 पॉइंट क्या कहता है, प्राइसिंग डिसीजन। यस, प्राइस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। द प्राइस इज शुड नाइदर टू लो और नॉट टू हाई। किसी भी चीज़ का प्राइस तय करना बहुत टफ काम होता है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा कम रख दिया तो लॉस होने के चांसेस हैं, और शायद पब्लिक ये भी सोच सकती है कि इतना कम क्यों है, ख़राब होगा। और अगर ज़रूरत से ज़्यादा रख दिया तो भी शायद पब्लिक मना कर दे, इतना महंगा क्यों खरीदे, तो भी लॉस हो सकता है। फाइन, सो ये सब चीज़ें जो डिपेंड होती हैं जो प्राइसिंग की, ये सब किस चीज़ को देख के की जाती है, बेसिकली कॉस्टिंग को देख के, उसके जो बाकी खर्चे हुए हैं, फिर अपने प्रॉफिट शेयर रेशियो को निकाल के। फाइन, इन सब कंसेप्ट को देखने के बाद उसकी प्राइसिंग डिसीजन होती है। देन वी हैव अ पर्सनल सेलिंग। यस, पर्सनल सेलिंग क्या होता है, इट इज़ अ टूल ऑफ मार्केटिंग यूज बाय ऑर्गेनाइजेशन व्हेन दे वांट टू मेंटेन पर्सनल टच विद कस्टमर। द पर्सनल सेलिंग स्टाफ हेल्प इन प्रोडक्ट प्रमोशन, गुडविल क्रिएशन एंड ऑल्सो बिल्ड इफेक्टिव कस्टमर रिलेशनशिप। पर्सनल सेलिंग क्या होती है, देखो कुछ कस्टमर्स को आज भी पर्सनली अटेंशन मिलता है। जैसे कि मान लो अगर मैं कोई मर्सिडीज या ऑडी खरीद लेता हूँ, तो वो लोग कॉल पे नहीं, मुझे पर्सनली अटेंड करेंगे, बिकॉज मैं उनके लिए बहुत बड़ा लेवल का कस्टमर हूँ, है ना। सो ये पर्सनल सेलिंग ही उनको बहुत आगे लेके जाती है, बिकॉज अगर एक कस्टमर को अलग से पर्सनली अटेंशन मिलता है तो वो बहुत खुश होता है। देन वी हैव दिस फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिज़िकली सही टाइम पे सही चीज़ उसको मिलना, है ना, वेयरहाउसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अभी मान लो एज अ बिजनेसमैन मैं प्रोडक्ट को सही टाइम पे अगर उनको नहीं पहुंचा पाया तो लॉस तो मेरा ही होगा। तो सिलेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट मोड, गोडाउन कहाँ रखना है, उनको किस प्रकार से उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सब चीज़ें भी मुझे ध्यान में रखनी है। द इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ राइट प्रोडक्ट्स एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। देन वी हैव दिस कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इन द रिसेंट टाइम्स फर्म्स हैव स्टार्टेड एम्फसाइजिंग कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टू ग्रेट एक्सटेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, आज जो सपोज आप अपने कस्टमर केयर को कॉल करते हो 198 पे, वो लोग आपका नाम जानते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इवैल्यूएशन ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट। देखते हैं कि मार्केटिंग कंसेप्ट कैसे आया था। पहले के ज़माने में तो होगा नहीं, पर अब कैसे आया, तो डेफिनेशन वही सेम है। पहला पॉइंट देखते क्या बोला है, एक्सचेंज कंसेप्ट। इट इज़ द ओल्डेस्ट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। द कंसेप्ट सोली रिवॉल्व अराउंड द एक्सचेंज प्रोसेस। इट इज़ अ नैरो कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। According to this concept, marketing comprise of exchange of product between seller and buyer. When a product is sold or service is offered for a certain value, exchange takes place. Exchange can be in the form of barter or for money. पहले वैसे barter system ही हुआ करते थे, फिर बाद में कुछ coins वगैरह का invention हुआ।
द सेलर डू नॉट कंसिडर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर, दे बिलीव दैट कंज्यूमर विल बाय कमोडिटीज इन द मार्केट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्वालिटी। सो मेरे पहले पॉइंट में क्या बता रहे हैं लोग कि उस जमाने में सेलर को कोई मतलब नहीं था कि बायर क्या चाहता है। सेलर इतना जानता था कि जो वो बेचना चाहता है कस्टमर वो खरीदेगा ही खरीदेगा। दे डू नॉट एंगेज इन R&D एक्टिविटी एंड गिव नो इम्पोर्टेंस टू सेल्स आफ्टर सर्विस। इट्स अ ट्रेडिशनल कंसेप्ट, इट इज़ यूजुअली इन प्रैक्टिस इन सर्टन थर्ड वर्ल्ड कंट्री। वैसे उस चीज़ की आज तो कोई ज़रूरत है नहीं, जाहिर सी बात है ये कंसेप्ट पहले के दौर में था जहाँ पे सेलर अपनी मनमानी करता था, लेकिन आज के टाइम पे एक बायर का कंसेप्ट भी देखा जाता है। उसके बाद आता है प्रोडक्शन कंसेप्ट। इसमें क्या था, दिस कंसेप्ट रिवॉल्व अराउंड द प्रोडक्शन प्रोसेस। इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट बायर विल बाय द प्रोडक्ट इफ इट इज़ वाइडली अवेलेबल एट अ चीपर प्राइस। यहाँ पर सेलर ऐसा सोचता था कि अगर उसे सस्ता मिलेगा ना तो वो मेरे पास आएगा। इट सजेस्ट दैट इफ द प्रोडक्शन इज एफिशिएंटली इंक्रीज एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल रिड्यूस, इट विल हेल्प द फर्म्स टू इंक्रीज द सेल्स फर्दर। यहाँ पे वो लोग यही सोचते थे कि कैसा भी क्वालिटी का दे दो पब्लिक खरीद लेगी, हमारा काम तो प्रॉफिट बनाना है। देन द ऑर्गेनाइजेशन ओनली मोटिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दिस कंसेप्ट इग्नोर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कंज्यूमर नीड्स, कस्टमर रिलेशंस, मार्केटिंग रिसर्च, कॉम्पिटिशन, R&D एक्सेट्रा। इट कैन ऑल्सो कैन बी एप्लीकेबल फॉर प्रोडक्ट हूज फीचर्स आर नॉट डिसाइडिंग फैक्टर फॉर परचेज। दिस कंसेप्ट केम इन टू एग्जिस्टेंस आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। तो मतलब ये सेकेंड कंसेप्ट को भी मैं गलती मानूंगा, क्योंकि यहाँ पे खाली सेलर जीत रहा है और जो बायर है वो हार रहा है, यहाँ पे वो अपनी सोच रहा है। देन तीसरा आता है प्रोडक्ट कंसेप्ट। इसमें क्या था, इट्स अ प्रोडक्ट सेंट्रिक कंसेप्ट। हियर द आइडिया इज टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस इन ऑर्डर टू इंक्रीज द डिमांड। द फर्म मोटिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। द कंसेप्ट एम्फसिस ऑन R&D टू इम्प्रूव क्वालिटी। ऑल्दो द क्वालिटी इज इम्प्रूव, इट डज नॉट फोकस ऑन बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप। ये 20वीं सदी के शुरुआत में होता था, सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा है पर लेकिन रिलेशनशिप नहीं था। सेलिंग कंसेप्ट आया उसके बाद में, इट एम्फसाइज द सेलिंग एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग। हियर द मेन आइडिया इज टू यूज मोर एग्रेसिव प्रमोशनल टेक्निक। इसके अंदर इन्होंने प्रमोशन को बहुत वैल्यू दी, पुशिंग किया मार्केट में प्रोडक्ट बढ़ना चाहिए, पब्लिसिटी, सेल्स, लार्ज एडवर्टीजमेंट, मोटिव हियर इज ऑब्टेनिंग हायर मार्केट। बट स्टिल यहाँ पे क्या बोला है, दिस कंसेप्ट इन्वॉल्व अराउंड द सेलर नॉट द कंज्यूमर। बट ये चीज़ अभी भी क्या हो रही है, सिर्फ और सिर्फ सेलर के लिए बनी है, बायर के लिए तो नहीं है। इट फेल्स टू फोकस ऑन बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप। दिस कंसेप्ट गेन इम्पोर्टेंस आफ्टर डिप्रेशन ऑफ 1930। इसके बाद इसकी वैल्यू बढ़ी। और फिर आता है अपना पांचवा मार्केटिंग कंसेप्ट। यहाँ पे आने के बाद एज अ सेलर उसको सारे फैक्टर इम्पोर्टेंट लगने लगे, कस्टमर भी इम्पोर्टेंट है, उसके जो भी एस्पेक्ट है, खरीदने का पैटर्न है, प्राइसिंग है, ये हर चीज़ उसके लिए इम्पोर्टेंट है। दिस इंक्लूड मार्केटिंग रिसर्च, R&D, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर रिलेशनशिप, इंटीग्रेशन विद अदर मैनेजमेंट फंक्शन। दिस कंसेप्ट केम इन टू एग्जिस्टेंस इन 1960। तो 1960 में धीरे धीरे टाइम जैसे बढ़ता गया ये चीज़ें चेंज हुई। फिर आता है सोसाइटल कंसेप्ट, समाज के लिए भी कुछ करना है। मतलब सिर्फ और सिर्फ आप कमा के अपना जेब भर नहीं सकते, आपको सोसाइटी के लिए भी वैल्यू रखनी है। और जो भी आप मार्केटिंग करोगे वो एथिकल होनी चाहिए, मतलब उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी लाइक वेरी क्रिस्टल क्लियर। फाइन, दिस कंसेप्ट एनकरेज द यूज ऑफ इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी एज अ होल इन द लॉन्ग रन। फर्दर द कंसेप्ट फोकस ऑन मार्केटिंग रिसर्च। सो सोसाइटी के लिए अगर ये सब चीज़ हम करते हैं डेफिनेटली तो इससे काम बनेगा। और आज भी देख लीजिए ना कितने सारे ब्रांड हैं जहाँ पे सोसाइटी में जो उन्होंने किया है थोड़ा कुछ डोनेशन देना या फिर सस्ता देना, बहुत ही लो रेट पे देना, तो सोसाइटी के लिए अगर वो करते हैं तो बेस्ट है। और इवन तो मार्केटिंग में किसी प्रकार का कोई झूठ नहीं होना चाहिए, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, तो लोग उस पर विश्वास करते हैं और ख़रीदते हैं। देन दे हैव अ रिलेशनशिप मार्केटिंग कंसेप्ट। इसमें क्या, किस पे ध्यान दिया उन्होंने, रिलेशनशिप, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाओ।
आज अगर हमसे वो जुड़ा रहेगा तो फ्यूचर में वही हमारा कस्टमर और हमें लेके आएगा और खुद भी रहेगा। सो ये रिलेशनशिप क्रिएट करने की कहते हैं बात। हॉलिस्टिक कंसेप्ट फिर बाद में आता है नया, फिलिप कोटलर जो लेके आए इसको यहाँ पे। इसमें उन्होंने चार चीज़ों को और ऐड कर दिया, इंटीग्रेटेड रिलेशनशिप, इंटरनल एंड परफॉर्मेंस। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है यहाँ पे? इन ऑर्डर टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, इट इज़ असेंशियल टू कंडक्ट मार्केट रिसर्च। वही नया प्रोडक्ट लाने से पहले एक बार पूरी चेकिंग करो, फिर पता लगाओ कितना कैश आउटफ्लो होगा, कितना इनफ्लो होगा एंड एवरीथिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग में ये देखना है कि एम्प्लॉयज़ के डिससेटिस्फाई तो नहीं है, वर्क विद द फुल एफिशिएंसी विल रिड्यूस द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी। इफ द सप्लायर आर अनहैप्पी देन मे नॉट एक्सटेंड क्रेडिट पीरियड। किसी को भी ना खुश ना रखना है, जो पैसा लगाते हैं, जो ब्याज पे पैसा देते हैं, फाइन, जो कोई भी किसी ने कुछ किया है, उन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखनी है। इंटरनल मार्केटिंग, एम्प्लॉयज़ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। इफ एम्प्लॉयज़ आर सेटिस्फाइड दे विल वर्क विद द फुल पोटेंशियल। कहते हैं ना इंटरनली अगर अपने एम्प्लॉयज़ खुश तो सब काम अच्छा होगा। लास्ट इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग। यस, बेटर परफॉर्मेंस रिड्यूसिंग द कॉस्ट, मतलब जितना अच्छा इसमें मार्केटिंग में काम हुआ है उतना उनका कॉस्ट कम हुआ है, और वो जितना कॉस्ट कम हुआ है उतना ही उनके लिए क्या होगा, ये एक बेनिफिट लेके आएगा, प्रॉफिट लेके आएगा। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ मार्केटिंग। सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आंसर वी हैव दिस वन मार्केटिंग कंसेप्ट का। वैसे कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, एक बार आप उसको देखोगे तो आपको ये वैसे ही आ जाएगा। ओके, सो टिल देन आप इस वीडियो को अच्छे से सुनिए, इस लेक्चर को अच्छे से सुनिए। टेक केयर।